Dear students, today we will discuss one of the class of same topic, that is classification of relation. That is third class, it is class of transitive relations. इससे पहले कि हम आज के इस मौजू को डिस्कस कर लें, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल एंड ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और वीडियोस शेयर कर लेना ताकि आने वाली ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके. नाउ वी विल डिस्कस अवर टॉपिक दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन. इसका मतलब है हमारे पास एक रिलेशन होगा. जब रिलेशन होगा तब तो किसी सेट पे डिफाइन तो होगा ही. टेकिंग ए बी द गिवन सेट से उसमें तीन एलिमेंट हमने यहां पे ले लिए. एक क्लास ही हमारे पास तब होगा इफ वी हैव सेट वी हैव देन कार्टेशियन प्रोडक्ट. इफ वी हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट वी हैव देन सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन सेट. इफ वी हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट वी हैव देन सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन सेट. If we have subsets, we have relations. पता ही है बहुत सारे relations होती हैं. If we have a given non-empty set, अब कितने होते हैं depends upon the number of elements in a given set. अब कौन सा relation जो हम define कर रहे हैं किसी set पे, कब symmetric relation उसको हम कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर इज द गिवन रिलेशन. आर हम ले रहे हैं यहां पे एक रिलेशन, तब जाके इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. तो सीधी सी बात है ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मड बाय दीज एलिमेंट्स. मान ले ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स आर एंड बी सी बिलोंग्स आर. अगर ए बी आर का एलिमेंट होगा एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, अगर हमें ये इंप्लाई हो गया ए सी बिलोंग्स टू आर, मीन्स अगर ए बी उस आर रिलेशन का एलिमेंट होगा, बी सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट होगा, अगर हमें फिर ये मिला ए सी ऑल्सो बिलोंग टू द सेम रिलेशन, then we say that the relation is transitive relation. For example, ये भी itself एक relation है, एक class है, universal relation जो हमने पढ़ा है previous lecture. Now see here, we have here 1 month, we have here 1 2, 1 month just as AB, 1 2 just as BC, 1 month belongs to R, 1 2 belongs to R. तब जाके हमारे पास 1 2 भी इसमें होना चाहिए. वी हैव हियर 1 2 इज देयर, वी हैव हियर नेक्स्ट इज 1 3 इज देयर, इसका 1 3 एक एलिमेंट है, 3 2 भी इसका एक एलिमेंट है. इफ 1 3 इज हियर 3 2 इज हियर, तब जाके हमारे पास 3 2 भी इसमें आना चाहिए. सॉरी ए बी बिलोंग्स टू हियर, बी सी बिलोंग्स ए सी, तब जाके यहां पे होना चाहिए. वी हैव 1 3 इज बिलोंग्स टू द रिलेशन गिवन रिलेशन, 3 2 बिलोंग्स गिवन रिलेशन, तब जाके हमारे पास 1 2 भी यहां होना चाहिए. वो भी है यहां पे, वो 1 2 भी यहां पे है. इस आर में 2 1 इज देयर, 2 1 है यहां पे, एंड 1 3 ये दोनों एलिमेंट आर में है, 2 1 इज देयर, 1 3 भी इसमें है. इफ वी गेट 2 3 ऑल्सो बिलोंग टू द सेम रिलेशन, वी से बिकम्स ए सिमेट्री ट्रांजिटिव रिलेशन. वी हैव 2 1 1 3 बिलोंग टू आर, क्लियरली वी हैव 2 3 जो एलिमेंट है, 2 3 इज हियर, 2 3 2 3 also belongs to R. Therefore, this relation is transitive relation. Dear students, जो universal relation होता है which we define on a given set, that always
becomes transitive relation ये याद रखना ध्यान में, important point है। इसी तरह जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है इट इज आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन एंड दिस ट्रांजिटिव रिलेशन इज आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आज हम डिस्कस कर यहां पे कर रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन डेफिनेशन इसका तब क्या होगा। गिवन ए रिलेशन आर हम लेंगे डिफाइन ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर दीज इंप्लाइज अगर हमें इंप्लाई होगा कि ए सी बिलोंग स्टार अगर ये हमें मिला अगर ये दो एलिमेंट तब जाके ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। टेक एन अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेंगे इसी सेट पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर लेंगे से आर इज इक्वल टू आर हम यहां पे ले रहे हैं इट कंटेन्स वन थ्री टू थ्री वन टू ये हमने रिलेशन ले लिया। सी हियर स्टूडेंट वन इज हियर वन थ्री ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम रिलेशन यहां तक तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। नाउ वी हैव वन टू इज देयर टू थ्री इज देयर वन टू बिलोंग्स टू आर एंड टू थ्री बिलोंग्स टू आर ये दोनों रिलेशन क्या वन थ्री इसमें है वो भी है वन थ्री इज देयर। नाउ वी हैव वन वन इज देयर वन टू इज देयर वन टू इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम सेट तब जाके दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन क्योंकि इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ हैविंग ट्रांजिटिव रिलेशन विच वी डिफाइन इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी तरह पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो लाइन्स इफ वी हैव ए प्लेन एस बी द सेट ऑफ लाइन्स एल सॉरी दैट एस हम एक सेट ले रहे हैं लाइन्स का तब हमारे पास नेसेसरी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इफ वी हैव कार्टेशियन वी हैव रिलेशन। अब यहां पे रिलेशन हम ले रहे हैं आर पहले हम लेंगे इसमें लाइन्स हम ले रहे हैं एल वन एल टू साइड दैट एल वन पैरेलल एल टू ये हम रिलेशन ले रहे हैं। अब इसमें L1 L2 ये तभी इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होगा जब L1 पैरेलल टू L2 होगा। अब अगर यहां पे इट इज L1 इट इज पैरेलल टू L2 या नाउ वी टेक अनदर लाइन L3 L1 इज पैरेलल टू L2 L2 इज पैरेलल टू L3 देन क्लियरली L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3 मींस अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन होगा इफ वी डिफाइन ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ लाइन्स रिलेशन इज पैरेललिज्म देन दैट रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल इस तरह लेंगे परपेंडिकुलर लाइन्स इफ फॉर एग्जाम्पल यहां पे लाइन्स लेंगे हम taking L line it is perpendicular to M L is perpendicular to M
M is perpendicular to N. Means jahan pe hum same, we have a set of line, we get cut, set of lines, then we get Cartesian product of that particular set, we then get the subsets of the Cartesian product of set of lines. वहां से हम ये रिलेशन भी ले सकते हैं, R is equal to इसमें एलिमेंट्स होंगे LM, such that L is perpendicular to M. क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है? Dear students, we have here L is perpendicular to M, M is perpendicular to N. अब L perpendicular N है या नहीं है? Really L is then parallel to N. Means अगर हमारे पास ये relation define होगा given question में, तब जाके ये transitive relation नहीं है. अब एक और important point आप ध्यान में रखिए, if R is equal to null set, null relation define आने given से, क्या ये transitive relation है या नहीं है? Dear students, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर लेना. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.